ऐसे हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी ज़रूर समझ आएगी। और आप अन्य असाइनमेंट नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर में जो डाटा दिया गया है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला ये कि एक कॉलम दिया गया है, यानी कि सॉरी मैट्रिक्स 2 3 3 4, और एक और मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 2 4 2 3 1, एंड एक इक्वेशन है AXB इज इक्वल, एक मैट्रिक्स है। इसमें हमने मालूम ये करना है कि एक्स क्या है। तो इस एक्स को मालूम करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ये फर्ज करेंगे इस क्वेश्चन में कि AXB किसी एक मैट्रिक्स के बराबर है। तो लिहाजा मैंने सपोज किया है कि AXB इज इक्वल सी, यानी कि सी अब एक कॉलम होगा जो कि ये AXB होगा। इस मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स के कवानीन में से एक कानून है कि अगर हमने AXB में से एक्स मालूम करना हो तो वो होगा A इनवर्स एक्स सी इंटू बी इनवर्स। हाँ जी, तो हमें अब करना क्या होगा, सबसे पहले ए का इनवर्स मालूम करना होगा। ए का इनवर्स मालूम करने के कई तरीके हैं, जैसे एक क्रैमर रूल, ठीक है ना, एकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करके, और दीगर जो के हैंड आउट में तब बताया गया है, हम किसी भी तरीके से ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बी इनवर्स मालूम करना है, और फिर उसके बाद हमने सी जो कि हमारे पास गिवन है, इन तीनों की वैल्यूज, ए इनवर्स जो हम मालूम करेंगे, बी इनवर्स और सी, इन तीनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करने के बाद हल करेंगे। तो मैंने ए इनवर्स मालूम किया है, वो ये है कि ए इनवर्स आता है -4 3 3 -2, और इसके साथ ही मैंने बी इनवर्स भी मालूम किया है, वो बनता है -1 -2 3 0 1 -1 2 1 2। फिर उसके बाद हम इन तीनों वैल्यूज सी, ए इनवर्स और बी इनवर्स, इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे। तो उसके बाद हाँ जी, मैंने ये सब्सिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो मसावात बनेगी मैट्रिक्स की, वो ये होगी। इसमें हम किसी तीनों में से किसी दो को भी आप पहले आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के हवाले से मैट्रिक्स में कमोटेटिव बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसलिए मैंने ये किया है कि पहले दो कॉलम्स ए इनवर्स और सी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सी और बी इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके बाद आंसर लें। मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ जी, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा जो आएगा पहले दो कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो होगा ये न्यू कॉलम बनेगा जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम होंगे, और इसमें आंसर आएगा -4 3 -4 3 2 -2 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए इनवर्स एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आया एक और कॉलम। अब हम जो उनका आंसर आया था उसको कॉलम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लीजिए फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन मैंने वेरीफाई भी किया है। इसको वेरीफाई ऐसे किया है कि AXB यानी कि एक्स की वैल्यूज, ए की वैल्यूज और बी की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर, ये जो इक्वेशन में दिया गया है, ये बिल्कुल इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ आइडिया मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको आइडिया बताना था, बाकी